Hello children, stand second. I am going to take the chapter 12, part 3, minerals, rocks and minerals. जैसे मैंने आपको बताया कि minerals और rocks हमारे बहुत important है. Rocks जो है वो पूरा natural nature में पाए जाते हैं. आपको बहुत सारी चीजें minerals जैसे आप mineral water पीते हो. Minerals is some source of compounds that are found in water, food that gives energy to our body. And जैसे mineral salt, mineral water जैसे अगर आप जाते हो ट्रैवलिंग करते रास्ते में तो आप मिनरल वाटर पीते हो. क्यों पानी? बिकॉज इट हैज नेचुरल स्प्रिंग्स वाटर दैट इज कॉन्स्टेंट एंड एट प्रॉपर प्लेस दैट इट इज हैविंग सम कंपाउंड्स रिलेटेड टू मिनरल. ओके, अब देखो मैं आपको बताऊंगी मिनरल्स ऑल द रॉक्स मेड अप ऑफ मिनरल. सारे जो रॉक्स होते हैं वो मिनरल से बने होते हैं. मिनरल्स आर डिफरेंट कलर. मिनरल जो होते हैं वो सारे डिफरेंट कलर्स के होते हैं और साइज के होते हैं. सम आर हार्ड, कुछ हार्ड यानी बहुत कठिन होते हैं. एंड सम आर सॉफ्ट एंड सम आर शाइनी. कुछ सॉफ्ट यानी कुछ बहुत नरम होते हैं और कुछ शाइनी यानी बहुत चमकते हैं. वी यूज थिंग्स मेड ऑफ मिनरल एवरीडे. और हम मिनरल से बनी चीजों का रोज यूज करते हैं. जैसे मिनरल सॉल्ट होता है और मिनरल वाटर पीते हैं. फूड में भी मिनरल क्या है, बहुत सारे फूड आप जब फूड खाते हो उसमें भी आपको मिनरल पाया जाता है. दैट न्यूट्रिटिव वैल्यू इट हैज एंड दैट इज एसेंशियल फॉर आवर बॉडी टू ग्रो फॉर द ग्रोथ ऑफ आवर बॉडी. ओके, द सॉल्ट दैट वी यूज इन आवर फूड इज मिनरल. आप जिस नमक खाते हो सॉल्ट, जैसे आप मम्मी कोई भी सब्जी बनाती है या पराठा बनाती है उसमें सॉल्ट डालती है तो उसमें मिनरल होता है. दैट इज एसेंशियल फॉर आवर बॉडी. अब देखो क्वार्ट्ज है. क्वार्ट्ज इज द मोस्ट कॉमन यूज मिनरल इन द वॉचेस. क्वार्ट्ज जो होता है वो एक मिनरल है जो आपको वॉच में मिलता है. वॉच जो आप पहनते हो ना हाथ में उसमें मिलता है. डायमंड, डायमंड आपने देखा है, डायमंड जो होता है बहुत चमकता है. जैसे डायमंड की रिंग होती है, डायमंड की इयररिंग बहुत स्पार्क बहुत चमकते हैं, बहुत ही आप देखोगे ना तो उनमें शाइनिंग कलर करें. तो डायमंड क्या होता है, जेनरली पाया जाता है, इज अ मिनरल. इट इज यूज फॉर कटिंग ग्लास. आपको ग्लास को कट करने में काम आता है और इट इज हार्डेस्ट बोन मिनरल. और डायमंड को सबसे हार्ड मिनरल माना जाता है. इट इज वेरी हार्ड. डायमंड जो होता है वो बहुत हार्ड होता है और उसको पीसेस में कट करना पड़ता है. देन ओनली यू आर एबल टू डू योर प्रॉपर वर्क. ओके, डायमंड्स बहुत शाइन भी करता है. इट इज वेरी शाइनिंग एंड इट्स वेरी लुकिंग ब्यूटिफुल एंड इट इज वेरी हार्डेस्ट मिनरल. टैल इज यूज फॉर मेकिंग कैल्कम पाउडर. टैल जो जैसे आपके घर में इट इज द सॉफ्ट मिनरल. टैल जो होता है वो जैसे आपके घर में कैल्कम पाउडर यूज करते हैं तो टैल जो होता है उसमें भी होता है सॉफ्ट मिनरल होता है. उससे आप जो पाउडर लगाते हो फेस पे बहुत सॉफ्ट होता है. बट डैट इज ऑल्सो कंटेनिंग मिनरल. ग्रेफाइट इज यूज इन पेंसिल लीड. ग्रेफाइट आप जो पेंसिल यूज करते हो उसके अंदर ब्लैक कलर की जो लीड होती है उसको ग्रेफाइट से बनी होती है. इट इज ऑल्सो काइंड ऑफ मिनरल. मर्क्यूरी इज यूज इन थर्मोमीटर. मर्क्यूरी आपने देखा होगा कि थर्मोमीटर यूज, जैसे आप लोग अगर घर में बुखार आता है या बीमार हो जाते हैं तो मम्मा आपके मुंह में थर्मोमीटर रखती है तो थर्मोमीटर से आपका टेम्परेचर पता चलता है. तो उसमें जो मर्क्यूरी होती है ना उसको पारा बोलते हैं गुजराती में. और इसको मर्क्यूरी बहुत सॉफ्ट छोटे छोटे सिल्वर बॉल्स की तरह होती है. बहुत ही मैंने खुद का एक्सपीरियंस एक बार मेरे घर पे जब वो थर्मोमीटर टूट गया था तो जस्ट ब्रोक आउट और उसके अंदर से छोटे छोटे बॉल टाइप जैसे सिल्वर टाइप में बॉल्स छोटे छोटे हुए मर्क्यूरी और थोड़े टाइम के बाद वो एकदम गायब हो गए, एकदम वैनिश हो गए, डिसअपीयर हो गए. कहाँ चले गए? बिकॉज मर्क्यूरी इज वेरी स्मॉल एंड यू कांट टच विद योर बेयर हैंड्स. ओके, नाउ वी आर गोइंग टुवर्ड्स जेम स्टोन्स. जेम स्टोन्स आर हार्ड एंड कलरफुल मिनरल्स. जेम स्टोन्स वो होते हैं जो बहुत कलरफुल होते हैं, रेड ब्लू येलो ब्लैक ऑरेंज हर कलर में पाए जाते हैं. जेम स्टोन्स आर वेरी हार्ड एंड कलरफुल. ये बहुत हार्ड होते हैं और कलरफुल होते हैं मिनरल्स. दे आर यूज टू कट इन डिफरेंट शेप. इनको अलग अलग शेप में काटा जाता है और रिंग में गले में पहनने के लिए, कान में रिंग्स पहनने के लिए और बहुत सारी चीजों में ज्वेलरी में यूज होता है. पुराने जमाने में राखी के जो राजा महाराजा थे ना वो ज्यादा से ज्यादा जेम्स पहनते थे हाथों में. उनके सर में जो क्राउन होता है उसमें जेम्स होते थे गले में हाथों में और उनके वेस्ट में जो होता था ना बेल्ट उसमें सारे उनके जितने भी ज्वेलरीज होती थी जितने भी ऑर्नामेंट्स पहनते थे चाहे वो किंग हो या क्वीन हो उनके पास सारे ये उसी के बने होते थे. दे आर यूज टू मेक ज्वेलरी. एमराल्ड रूबी एंड कॉरल आर सम एग्जाम्पल ऑफ जेम्स. और एमराल्ड रूबी और ये कॉरल ये सारे ज्वेलरी है बनती है जेम्स स्टोन से ज्वेलरी बनती है. ओके, नाउ वी आर गोइंग टू डू समरी. द अर्थ इज मेड और जिसमें हम रहते हैं प्लैनेट में इट इज मेड ऑफ थ्री डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक. तीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक से बने और मेड ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ अलग अलग रॉक से बनी हुई है. रॉक्स डिफर. रॉक्स मैंने आपको बताया कि शेप भी अलग होता है और साइज भी उनका अलग होता है, कलर भी अलग होता है. सम रॉक्स, कुछ रॉक्स हार्ड होते हैं और कुछ सॉफ्ट होते हैं. मार्बल सैंडस्टोन कोल एंड चौकर सम टाइप्स ऑफ रॉक. ये सारे मार्बल सैंडस्टोन कोल एंड चौकर टाइप्स ऑफ रॉक्स. रॉक्स आर मेड ऑफ मिनरल. सारे रॉक्स होते हैं वो मिनरल्स से बने होते हैं. वी यूज थिंग्स मेड ऑफ मिनरल आवर डेली लाइफ. और हमारे डेली लाइफ हमारे रोजमर्रा की जिंदगी उसमें हम मिनरल्स का यूज करते हैं. उसका सबसे बड़ा एक सब होता है मिनरल वाटर.
mineral salt. Okay, gemstones are hard and colorful mineral. Gemstones, जो gemstones होते हैं पत्थर, वो jewelry बनाने के काम आते हैं और बहुत सारे colorful होते हैं, colorful minerals. See, AMINERALS minerals. ऐसे भी salt जब दबेगा तो quartz की तीव्रता, quartz is also used in watches. DIAMOND diamond is used in making jewelry. मैर्क्यूरी जो होती है वो थर्मोमीटर में पाई जाती है एंड इट इज इन स्मॉल स्मॉल पीसेस लाइक सिल्वर कलर एंड इट्स गेट बॉडी वैनिशिंग. ऐसे जी शाइन, शाइन यानी चमकना. जे डब्ल्यू एल एन यूर जेलरी, जेलरी यानी सारे आभूषण. ऐसे चाहिए शाइन, शाइन यानी चमकना. नाउ आई एम गोइंग टू शो यू दिस ऑल थिंग्स दैट आई टॉट यू अप टिल नाउ. जस्ट हैव अ लुक ऑन दिस थिंग्स. सी जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने मैंने कहा देयर आर मोर, देर आर अबाउट 2000 डिफरेंट काइंड ऑफ, 2000 से ज्यादा मिनरल्स होते हैं डिफरेंट काइंड जो हम यूज करते हैं. सी नाउ यू आर सी, सॉरी, सी यू कैन सी मिनरल सॉल्ट इज यूज इन कुकिंग. शी इज कुकिंग हेयर एंड पिन नाउ स्टडिंग ही देर. पेंसिल के अंदर क्या यूज होता है? ग्रेफाइट. आप जो वॉच पहनते हैं उसमें क्वार्ट्ज का यूज होता है. और ये देखो जेमस्टोन्स है, पत्थर है जो डिफरेंट कलर शेप्स में होते हैं. देखो ये जेम्स दिख रहा है आपको, ये एमराल्ड है और ये है रूबी. सो कितने सुंदर कलर है, उनको कितने अच्छे शेप में दिया गया है. सो देर आर फाउंड इन डिफरेंट कलर शेप साइज. ओके, और ये बहुत कलरफुल होते हैं. दे आर कट इन टू पीसेस, पॉलिश क्यू शाइन करते हैं. और ये एग्जाम्पल हैं सम कॉरल स्टोन्स के. एमराल्ड, रूबी एंड कॉरल आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ जेम स्टोन्स. ये जेम स्टोन्स के सारे एग्जाम्पल्स हैं. ओके, सो आई थिंक दिस लेसन इज क्लियर टू यू. यू मस्ट बी नॉट हैविंग एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग दिस लेसन. जस्ट गो थ्रू दिस लेसन. देखो आपको दिख रहा है ना ये लड़का कैसे पेंसिल से लिख रहा है, क्योंकि पेंसिल में क्या है? ग्रेफाइट. और जो फूड खाते हो आप लोग उसके अंदर जो सॉल्ट यूज होता है वो मिनरल सॉल्ट होता है, और पानी भी आप मिनरल वाले पीते हो. तो ये सारी स्पेलिंग्स अच्छे से रीड करना, देखना और समझना. ओके, थैंक यू.